all these brothers my guys. Know that we fly, know that they ride or die. Why they wanna move like that? वेलकम बैक टू सुरीन ब्लॉग्स। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो गाइज मैं भी बहुत अच्छी हूँ। गाइज मैं बहुत धीरे इसलिए शूट कर रही हूँ, अभी रात के बज रहे हैं 1:45 और सैटरडे लग चुका है और हम लोग जा रहे हैं आज कहीं घूमने। कहाँ जा रहे हैं वो मैं आपको बाद में रिवील करूँगी, अभी क्योंकि डिसाइडेड नहीं है कहाँ जा रहे हैं। मैं अभी नहाई हूँ क्योंकि मैंने हेड वॉश नहीं किया हुआ था। मैंने सोचा था कल जाना था हम लोगों को, बट हम लोग सडनली अभी जा रहे हैं, मतलब कि 4:00 हम लोग निकल जाएंगे। तो मैंने फिर फटाफट से हेड वॉश किया है, पूरा नहाई हूँ मैं, तो ठंड लग रही है। मैं बाहर आके शूट करी। रिंकू और वेदांश सो चुके हैं, पैकिंग ऑलमोस्ट हो चुकी है, तो मैं आप लोगों से मिलूंगी सुबह। तो ठीक है गाइस, गुड नाइट, बाय बाय, मिलते हैं सुबह। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। हम लोग उठ चुके हैं, सुबह के बज चुके हैं 4:15। वेदांश भी उठ चुका है, दीदी जी को कॉल कर दिया है, उनको भी उठा दिया है। बस मैं रेडी हो चुकी हूँ, रिंकू रेडी हो रहे हैं और अभी मेकअप वगैरह कुछ नहीं करेंगे, वहीं पहुंच कर लोकेशन पर ही करेंगे। विदो, गुड मॉर्निंग जी। तुम शोनी, मेरा नोना नोना पारा पारा बाबू ये उठ गया है, अब इसको नीनी कराऊंगी मैं फिर से गाड़ी में बैठ के। घर से निकल चुके हैं, एग्जैक्ट 4:02 हो चुके हैं। अब हम लोग जा रहे हैं दीदी के घर नवादा, दीदी को पिक करने, देन उसके बाद से हमारी जर्नी स्टार्ट होगी। और बता जुड़ चुका है, ये देखो, गाइस मैंने जैकेट पहन ली क्योंकि ठंड हो रही है बाहर। सुबह सुबह सड़क पर कोई भी नहीं है, इसका घड़ी का टाइम भी सही करा लेते। वेदांशी खड़ा हुआ है, सुबह सुबह जोमैटो स्विगी वाले भैया चाय वगैरह पी रहे हैं। हमारे वेदांश की खुशी देख लो गाइज, सुबह 4:00 और आगे इतना अंधेरा हो रहा है, लाइट भी नहीं जल रही। मैंने अभी दीदी जीजू को कॉल किया था, वो लोग भी रेडी हो चुके हैं, तो बस हम उनके पास मुश्किल से 10 मिनट में पहुंच जाएंगे। हम लोग यहाँ पर हैं, अभी उत्तम नगर क्रॉस कर लिया हमने, बस उनके पास हम पहुंच जाएंगे, ठीक है। और वेदांश बहुत ज़्यादा खुश है कि हम लोग घूमी घूमी करने जा रहे हैं, अभी बताएंगे थोड़ी देर में कि हम कहाँ जा रहे हैं, ठीक है गाइस। मेरे को अभी ऐसे ही देख लो, और अभी हम बिल्कुल जस्ट दीदी की गली के बाहर ही खड़े हैं। मैं फटाफट से एक डिक्की में सामान डाल दूँ, हमारा सीट पे रखा हुआ है, तो ठीक है गाइस। मोती बाग पहुंच चुके हैं, पेट्रोल डलवाएंगे, अब पेट्रोल डल रहा है गाड़ी में, और जीजू गाड़ी से बाहर निकल चुके हैं, दीदी सो रही, ये रही, और वेदांश सो रहा है, सोया नहीं अभी। और अभी हम थोड़ा सा आगे पहुंच के आप लोगों को बता देंगे कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, ठीक है गाइस। तो थोड़ा सा बने रहिए व्लॉग में। यहाँ पर वेदांश मेरी गोदी में बैठा हुआ और ये बाहर का सारा व्यू देख रहा है, एंजॉय कर रहा है, और अभी इसको नींद आती है, ये सोता है। और गाइस आप लोग ये देख के समझ ही जाओगे कि हम कहाँ जा रहे हैं, यमुना एक्सप्रेस पर स्वागत है हमारा। तो हाँ जी गाइस, हम लोग कहाँ जा रहे हैं ऑलमोस्ट लोग समझ चुके होंगे, तो आप आगे देखो आपको पता चल जाएगा कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं।
अभी हम लोग यमुना एक्सप्रेस से आ रहे हैं, तो हम लोग खाने की चाय के लिए रुके हैं। ठंड लग रही है गाइस, बहुत ज्यादा इतनी ठंड हो रखी है। मैं आपको दिखाती हूँ गाइस। सो गाइस कोई भी नहीं है यहाँ पर, हम लोग ही हैं। और ये रिंकू दीदी, एरी वेदांश। हेलो जीजू, कैसे हो? कहाँ जा रहे हैं जीजू, घूम रहे? जीजू भी बोल रहे हैं कि बाद में बताएंगे, अभी व्लॉग में है ना जीजू, फिर बाद में बताएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाय गाइस, हाय गाइस, तो बाद में बताएंगे। ठंड हो रही है अब आपको। अभी ये क्या चिपका हो, कैसे हो? हेलो हेलो, हंस के तो दिखाओ। हाँ हाँ बढ़िया। एक मिनट, तो हम दोनों की बिल्कुल मैचिंग मैचिंग हो रही है। नहीं जाना, मेरे न्यू शूज कल लेके आई हूँ मैं, रिंकू ने दिलाए मेरे को, और रिंकू ने भी न्यू शूज लिए हैं, दिखाती हूँ। लुक ये देखो इनके शूज, और हमारे जीजू के भी शूज देख लो। हमारे लिए लिया ब्रेकफास्ट, चाय और सैंडविच। अभी गए रिंकू लेने के लिए, हम लोग खाएंगे। कोई भी नहीं है, हम ही लोग हैं बस। सुबह सुबह गाइस हमारा ब्रेकफास्ट आ गया, सैंडविच। सुबह खाई थी पुणे ऐसी सैंडविच, यहाँ पे नहीं खाई थी ना। नहीं नहीं, वो हम लोग माता के जाते हैं होटल किंग हाईवे में। 6:00 हो रहे हैं, फोकस कर रहे हैं, खाई तो आई नहीं। 6:26 हो रहे हैं, अब हम लोग ब्रेकफास्ट खा रहे हैं। आपको दीदू को फेंक के आ जाओ। अब चाय पियेंगे है ना जीजू, चाय पियेंगे। ये आ गई गाइस हमारी चाय, नानी मोर नहीं लगाते, चलो। और वेदांश भी उठ चुकी है, देखने में तो अच्छी लग रही है चाय। हो गया, दीदी और जीजू आ रहे हैं, दिन उग चुका है, मतलब सुबह हो गई है पूरी। 7:07 शायद। चाय अच्छी है गाइस, कितनी महंगी है गाइस, 50 रुपए की चाय। ये उसमें शक्कर नहीं, दूध है बस, और कुछ नहीं। जैसे हम चाहते थे ना दूध की, जैसे हम पीते हैं घर पे, बिल्कुल वैसी ही है दूध की, बट शक्कर हमने ले ली थी। निकल चुके हैं चाय वाय लेके, अब हम लोग अपनी मंजिल की ओर चल रहे हैं। तो क्या जीजू बता दे फिर व्लॉग गाइस को कि हम कहाँ जा रहे हैं? यार आई थिंक मेरे को तो मालूम ही नहीं है। ओ माई गॉड, तो गाइस जीजू को पता ही नहीं है, तो चलो गाइस मैं आप लोगों को बता ही देती हूँ। तो गाइस हम लोग जा रहे हैं आगरा ताजमहल देखने, और क्या देखेंगे कुछ नहीं पता, बट फिलहाल अभी हम फर्स्ट लोकेशन हमारी यही है, ताजमहल देखने जा रहे हैं हम लोग। 7:00 हम लोग यमुना एक्सप्रेस से जा रहे हैं। ब्रेकफास्ट कर लिया अभी हमने, चाय और सैंडविच, बाकी जो भी रहेगा आप लोगों के साथ जरूर शेयर करेंगे, तो आप लोग व्लॉग में बने रहना, ठीक है गाइस? गाइस मैं पीछे बैठ गई हूँ, जीजू आगे बैठ गए, राजी हो रहे, देखो कैसे राजी हो रहे हो। हाय गाइस, हाँ क्रीम है ना लाइन अभी तो देना, नीचे रखिए यार बैग में अंदर टिक्की में। ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ ना कुछ जरूर बोलते हैं, फिर मेरे को दोबारा से स्टार्ट करना पड़ता है। वेदांश फिर से सो गया, दीदी के पास है, और लाओ दो। रिंकू को गर्मी लग रही है, इन्होंने स्वेट शर्ट वगैरह उतार दिए, शर्ट शर्ट पहन लिए, इनर पहना नहीं। तो चलो गाइज हम लोग सिर्फ आधा घंटा दूर है रास्ते से, 30-35 किलोमीटर दूर है, बाकी हम पहुँच चुके हैं, चल रहे हैं। थोड़ी सी क्रीम इसके गाइस, हम लोग ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं, मतलब उसी लेन में है ताजमहल वाली, उसी लेन में है हम लोग, एंड पहुंच रहे हैं। बस वेदांश सो रहा ही, उठ जाए तो उसको रेडी कर देती हूँ, बाकी हम लोग भी थोड़ा मेकअप वेकअप कर लेते हैं, क्योंकि घर से कुछ करके नहीं आए थे, थोड़ा सा मेकअप वेकअप करके रेडी होके फिर चलते हैं। इनको बोलते हैं छोटी सी नैप लेंगे वो, बाकी लेट्स सी क्या होता है। सो गाइज हम लोग पहुंच चुके हैं ताजमहल की पार्किंग में, पार्किंग ले ली है। विदु भी उनको पता गाड़ी रुक गई। गाइज फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं वेदांश से, यार जीजू प्लीज डोंट से लाइक दैट, एवरीबॉडी इज वाचिंग माय व्लॉग, तो सब कहेंगे कि जीजू क्या बोल रहे हैं। तो नहीं नहीं नहीं, जैकेट है और ये दीदी है, ठीक है, ये जीजू ये रहे हमारे, हम अब जा रहे हैं ताजमहल देखने, तो चलो आप भी। हमने जो बैटरी रिक्शा किया है वो भैया अंकल हमको कहाँ लेके जा रहे हैं अभी?
छोटा ताजमहल दिखाने के लिए तो हम लोग जा रहे हैं। और ये जीजू बैठे हैं, आपको दिख रहे होंगे, ये दीदी भी है। हाय हाय कर दिया। और क्या करूं यार, गाइस ये छोटा ताजमहल है, यहाँ पर वीडियो अलाउड नहीं थी बट ये मैंने छुपके से कैप्चर किया हुआ है और अंदर शॉपिंग करने के लिए है। और यहाँ पर वेदांश, जैसे कि ये छोटा ताजमहल है तो यहाँ पे शॉप बना रखी है, आप साड़ी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। तो दीदी ने भी साड़ी खरीदी थी, केले के पत्ते की साड़ी खरीदी थी, बहुत ही कॉस्टली थी। और ये जो बैग देख रहे हैं आप, ये बहुत ही कॉस्टली बैग है, 3,500 की स्टार्टिंग बैग से। मैंने अभी बहुत अच्छी साड़ी ली है, वो साड़ी कैसी है क्या है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। बहुत अच्छी साड़ी है जिसका काफी ज्यादा कॉस्टली है, बट जीजू ने दिलाई है। वो डायलॉग मार दिया था मुमताज वाला तो जीजू पिघल गए, जीजू फिदा हो गए दीदी के ऊपर। तो जीजू ने दीदी को फिर दिला दिया। हम लोग वो देख के आ चुके, मैं क्लिप ऐड कर दूंगी। हम लोग छोटा मीना बाजार कुछ यहाँ पर है, वहाँ से जैसे मैंने बताया दीदी ने साड़ी ली है। और अब हम ताजमहल देखने के लिए जा रहे हैं। वेदांश को देखो और रिंकू और वो जीजू आ रहे हैं, पीछे दीदी ये खड़ी है, जा रहे हैं, देखते क्या होता है। ये वेदांश बहुत रो रहा है, कुछ भी नहीं खा रहा। मैंने इसके लिए केक लिया, मफिन्स लिए हैं, कुछ खा नहीं रहा, बस रोए जा रहा है। मेरे को लग रहा है ये सोएगा क्योंकि कच्ची नींद में उठ गया था ना गाइस, ये इस वजह से। चलो ठीक है गाइस, आगे चल के आपको दिखाते हैं। यहाँ पर बिल्कुल भी गर्मी नहीं है, सॉरी बिल्कुल भी ठंड नहीं है, बहुत गर्मी है। आप देख रहे हो वेदांश को लेके आ रहे हैं रिंकू पीछे, क्योंकि वेदांश सो गया है, बाकी दीदी और जीजू आगे चल रहे हैं। मैं आगे इसलिए चल रही हूँ कहीं वेदांश देख ना ले, क्योंकि वो उठ रहा है कभी सो रहा है, तो ऐसे ही है वो। तो चलो दीदी, अब मैं जा रही हूँ टिकट लेने के लिए, ठीक है। टिकट लेके आ गई हूँ, ये रही और ये कॉइन्स वाली है, बाकी दूसरी वाली टिकट अंदर से लेनी है। वो हम देखेंगे, वो हमारी चॉइस है, वो हमने लेनी है या हमें वो देखना है या नहीं, वो तो बात की बात है, पहले हम एंटर तो कर ले, ठीक है। वेदांश सो चुका है, जीजू के पास में है और जीजू ये रहे। हाय जीजू। हाय गाइस। हेलो दीदी। और इनको शूज ठीक कर रहे हैं, वो बैठे। इनके ना अंगूठे में बहुत दर्द हो रहा है, वो स्वेलिंग हो रही है इनके थंब में। ये रहा एंट्री गेट, अब यहाँ से चल रहे हैं। बहुत आगे से एंट्री है, आई थिंक सो। वो बहुत आगे से एंट्री है। सो गाइस ये रही एंट्री। यहाँ से स्टार्ट है। ये बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट चेकिंग थी बट हो गई। हमारे पास छोटा सा वो था केक वेदांश का, वो उन लोगों ने रख लिया है, बट कोई बात नहीं, अभी वेदांश सो रहा है, जब उठ जाएगा तो मैं उसको फीड करा दूंगी। एंड हमारी एंट्री हो चुकी है, अब हम अंदर जा रहे हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा, ये कुछ ऐसा ऐसा व्यू है, आप देख सकते हो 892 का है, ऐसा ऐसा व्यू आ रहा है, आप देख सकते हो 87 का है, और 93 में ऐसा हुआ, 2000 में ऐसा हुआ, मतलब कि इसका काफी ज्यादा लुक चेंज होता गया, मतलब यही सब बता रखा है इस ब्लॉग में पूरा। और ये गाइड्स हैं, गाइड हमने करा नहीं क्योंकि कोई फायदा नहीं है, वो हमें पागल बनाते हैं बस, तो हम अपने बिहाफ पे ही घूमेंगे जो अभी घूमेंगे। और गाइज वो रहा ताजमहल, अभी ऐसे दिख रहा है ना, अभी हम जा रहे हैं और बहुत ज्यादा रश है, और अभी सुबह के बज रहे हैं 11, हम लोग बहुत जल्दी आ चुके थे बट उसके बाद भी काफी ज्यादा रश है। कहते हैं शाही दरवाजा। सो गाइज ये है मेन गेट और बिल्कुल सामने ही आप देख सकते हो कि ताजमहल यहाँ दिख रहा है। भी आ जाएगा ना, बड़े मुश्किल से हिलेंगे, इतने भारी है। फोटो ले लो अच्छी से।
वीडियो बना लो सब। पहले प्रवेश होने से पहले है ना ये वो दिखाना।